विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, दुविधा न रहे तो मस्जिद और मंदिर में एक जलवा दिखाई दे। फरमाया, मस्जिद में है वही मंदिर में है, नाम का फर्क है, वरना इंतजाम बिगड़ जाए। और फरमाया, खुदा तुम में है मगर तुम देख नहीं सकते। और फरमाया, सबसे ज्यादा जो तुमसे करीब है उसी को तुम सबसे ज्यादा दूर समझते हो। और फरमाया, जो रब है वही राम है, ये जरूरी है कि हम अपने आप को पहचाने। तो अपने रब या राम को पहचान लेंगे, कसबुल इरशाद सरकारे वारिस पाक, हमारी तालीम जरूरी है। हम सब इंसान की औलाद हैं, एक माँ बाप से पैदा हुए हैं, दिल में होता रहता है, दिल को हृदय भी कहते हैं। दिल में आत्मा के साथ खुदा रहता है, यानी हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा रहता है। उसी के बारे में संदेश है, जो रब है वही काम है। यह संदेश गुरु वारिस ने मानव जाति को दिया है। मानव जात ने एक रूह या एक आत्मा रमण करती है, उसी एक का तस्वीर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी सभी करते हैं। और उसी की इबादत मुसलमान करता है और उसी की पूजा हिंदू करता है और उसी का तसव्वुर ईसाई यहूदी सिख वगैरह भी करते हैं। कहो या मनु कहो, की सभी संतान है। आदम की विरासत आत्मज्ञान है, यानी इरफान रब है। इरशाद नबवी है कि तू इस तरह इबादत गुजार हो कि गोया तू खुदा को देख रहा है। अगर यह न हो सके तो यह समझ कि खुदा तुझको देख रहा है। अगर खुदा की कोई सूरत नहीं है, जात हक ताला तमाम तयुनास से मुनज्जह है, में बमिज़दा खलक आदमा अला सूरत करते ही मुंदरजा बाला सिफात के हामिल, जिस दिन इंसानी का तसव्वुर खुदा का तसव्वुर ठहरेगा, क्या सिलसिले
पीराने उजाम रसूल अकरम और जात बारी तक पहुंचेगा, यानी तसव्वुर से तसव्वुर खुदा रसूल इतरादी शेख की सूरत देखी भाली जानी पहचानी होती है। यही सूरत बहर सूरत नजर आती है। सूरत से यहाँ मुराद मूर्ति नहीं है, जो पत्थर की बनी है या मिट्टी की बनी है या किसी मटेरियल की बनी है। यहाँ सूरत से मुराद यानी मूर्ति चेतन है, इसीलिए बगैर मार्फत के हम एक जात को नहीं जान सकते हैं। फी अनफुसेकुम अफला तुफ्सिरून, यानी तुम्हें हूँ मगर तुम देख नहीं सकते। ताने कामिल की मोहब्बत भी से मकदूर कामिल बना देती है, मगर इंतहाए कमाल लामहदूद है। कसम में पहली सीढ़ी तसव्वुर शेख है। बाद अहले जाहिर उसे बुत परस्ती समझते हैं, मगर दरअसल यह उस पाक मुजस्मा का तसव्वुर है जो नूर मोहब्बत हक ताला से मामूर है। यह गैरुल्ला की परस्तिश नहीं है, बल्कि यह उस शख्स की सूरत का दिल नशी करता है जो बनिस्बत एहसान फनाफिल्ला होकर महबूबियत के साथ बाकी बिलजात होता है। और बमोजिब हदीस कुर्सी जो साबिक में लिखी गई है, जिसके जिस्म के हाथ पांव आंखें अल्लाह खुद बन जाता है, बस ऐसे जिद का तस्वूर और उसकी याद खुदा की याद है। रसूल अकरम की गायबाना याद और तस्वूर से सहाबा कबार मुशर्रफ थे। हुजूर पुरनूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरफ नफ्सहु फकत अरफ रब्बहु, यानी जिसने पहचाना अपने रूह को उसने पहचाना अपने रब को। यहाँ रूह से आत्मा ही मुराद है, यानी सोल, और रब से यहाँ परमात्मा मुराद है, जिसने पहचाना अपनी आत्मा को उसने पहचाना अपने रब को। कुरान में रब्बुल आलमीन आया है, रब्बी नास मलेकी नास इलाही नास भी आया है। यहाँ इंसान से मुराद इंसान कामिल है, वही पीर कामिल है, वही पूर्ण गुरु है, बगैर गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु हमारा एक है, वचन हमारा एक,
करेंगे सेवा एक की, गुरु जो राखे एक, नारायण का अंत न पाया, माला जप की राम मिलन की भी सुन अवगत, पहले गुरु को चीन, गुरु गोविंद को एक विचारो, दुविधा दूर निकाल, गुरु को अवघट और न जानो, गुरु है दीन दयाल, जाप जोग तप तीरथ से निर्गुण हुआ न कोई, अवघट गुरु दया करें तो पल में निर्गुण होए। हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक वेद सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है, जो ज्ञान का शास्त्र है और ब्रह्मा जी के मुख कमलों से निकली वाणी है। अक्षर और शब्द का मूल खुदा की आवाज या रब या राम की आवाज है। राम की आवाज थी, राम की आवाज है और राम की आवाज रहेगी। अध्यात्म कहो या तसव्वुफ, इसमें वह ज्ञान है जिसके प्राप्त होने पर दुविधा और भ्रम से छुटकारा हो जाता है। अध्यात्म कहो या तसव्वुफ, यह एक रूहानी इल्म है, इसको सहज मार्ग भी कह सकते हैं। योग एक अभ्यास का विषय है और योग के द्वारा अंतस में जो ज्ञान प्राप्त होता है वही आध्यात्म और तसव्वुफ है। तसव्वुफ या आध्यात्म इंसान को इंसान बनाता है, मानव को मानव बनाता है, जिस मानव में मानवता है, जिस इंसान में इंसानियत है, उसे तसव्वुफ से या अध्यात्म से सरोकार है। सूफियों में तसव्वुफ की तालीम दी जाती है और गुरु परंपरा में अध्यात्म की तालीम दी जाती है। यह ज्ञान भौतिक नहीं है, यह ज्ञान आध्यात्मिकता से संबंधित है। किताब में दिव्य दृष्टि का ज्ञान नहीं है,
दिव्य दृष्टि का ज्ञान सत गुरु या पूर्ण गुरु से प्राप्त होता है। वेदांत में एक ब्रह्म या एक शाश्वत अस्तित्व के विषय में है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, वही सनातन है, वही इस्लाम है। अंबियाई मजहब में अव्वल आदमी या मानव हजरत आदम या मनु है, उनकी संतान में अंतर ज्ञान की परंपरा प्रचलित हुई। केवल किताब पढ़ लेने से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनको गुरुओं ने अपने जीवन में उतारा। गुरुओं की जीवन शैली और पद्धति और उनकी बाणियों के अध्ययन से पता चलता है कि उनको आत्मा का ज्ञान प्राप्त था। पीर फकीर सूफी को अपनी रूह का इरफान था। इस नुक्ते नजर से देखा जाए तो सब एक हैं, जो एक शाश्वत अस्तित्व से जुड़ गए। मजहब असली या धर्म असली वही है जो खुदा तक पहुंचा दे, जो खुदा तक पहुंचा दे, वही धर्म सनातन या इस्लाम है। एक अस्तित्व के सामने सर तस्लीम खम करने का नाम इस्लाम है और एक शाश्वत अस्तित्व की पूजा करने का रवाज चला आ रहा है। राम वही है जो सब में रमण करता है। राम की आवाज थी, राम की आवाज है, राम की आवाज रहेगी, यही आवाज सनातन है। इस आवाज को ब्रह्म का अवतार कह सकते हैं। अंबियाई मजहब आदम
अलैह इस्लाम से शुरू होता है और उसका खात्मा आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता है। इल्म आदम, फहमे नूह, हिकमत इब्राहिम, ये तीनों चीजें एक जात में जमा हैं। वह जात हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की है। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम हक के अव्वल इमाम हैं। उनसे तरीकत और तसव्वुफ मंसूब है। हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व अलीयो मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। ये हकीकत है कि एक जात, एक शाश्वत अस्तित्व हमेशा से था, उसी के अनेकों मजाहिर हैं। एक सूरत थी, वह अव्वल सूरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, वह सरापा नूर थी। उसी जात से कायनात का वजूद है। अव्वल नूर नूर मोहम्मद है, वह खुदा ही का नूर है। वह मिस्र नुक्ता दायरा एक जात से जुदा किया गया, उसी से कायनात की तकलीफ हुई। यह हकीकत है कि परब्रह्म, ब्रह्म और ईश्वर का कंसेप्ट हिंदुओं की किताबों में मौजूद है। वेदांत अद्वैत विचारधारा से संबंधित है। वेदांत का आधार ही अद्वैत विचारधारा है। सांख्य दर्शन का आधार द्वैत विचारधारा है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का वर्णन है। पुरुष और प्रकृति के संसर्ग से विकास हुआ और महत् बुद्धि पांच कर्म इंद्री, पांच ज्ञान इंद्री, पांच तत्व आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, शब्द, रूप, रस,
स्पर्श इंद्रियों का निषेध करने से जो अनुभव प्राप्त होता है वही योग द्वारा ज्ञान है। मन का आत्मा में स्थित होना ही असल योग है। सांख दर्शन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, योग दर्शन एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, एक शाश्वत जात से जो जुड़ जाता है वही ज्ञानी है। ज्ञानी वही है जिसने शाश्वत अस्तित्व की आवाज का बोध किया है। तमाम अस्तित्व की आवाज का मूल शाश्वत अस्तित्व रब या राम की आवाज है। ख्वाजा अमीर खुसरू ने इसी आवाज की कैफियत को हिंदी में लिखा है जो यह है, एक ही भवर गूंजा रसी, दूजे गोहर गोहर होए, तीजे शब्द संग का चौथे घंटा होए, चौथे घंटा होए, पांचवें ताल जो बाजे, छठे सुमुल्ली नाद, सातवें बहीर जो गाजे, आठवें शब्द मृदंग का नौवे फकीरी नाल, दसवें गर्जे सिंध सांप, खुसरू ने कह दे अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की भई दुहाई, खुसरू ने अंतर लौ लाई। जो राम को भजते हैं वह राम के भक्त हैं, जो रब की इबादत करते हैं वह रब के बंदे हैं, जो रब का इरफान ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वह आरिफ हैं, जो राम का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वह ज्ञानी है। तमाम दुनिया में जो झगड़े लड़ाई हैं वह पूजा पद्धति को लेकर हैं, किताबों में जो भी कुछ लिखा है उसको समझने के लिए लोगों ने बुद्धि का प्रयोग किया है। जिसने अपने जीवन में घटनाएं को देखा है, विशेषतः वह घटनाएं जो खुदा की आवाज या राम की आवाज से संबंधित घटनाएं हैं, उन्होंने अपने अंतस में शब्द शाश्वत का बोध किया है। खुदा की आवाज को सुना है,
दिल के कान से खुदा की आवाज सुनी जाती है। यही आवाज ऊपर चढ़ती है और अपने मूल से जा मिलती है। ऐसे शख्स को, ऐसे मानव को ज्ञानी कहते हैं, जो अपने मूल को समझ गया। मूल का न कोई जात होती है, न धर्म होता है, वह तो स्वयं एक जात है। जो रास्ते हैं वो मूल तक पहुंचाने वाले हैं, उसी को धर्म कहा गया है। असल धर्म वही है। विश्व गुरु आरिफ ने फरमाया, किसी मजहब को बुरा न कहो, क्योंकि उसके मिलने के रास्ते बेशुमार हैं। बुद्ध मत में बुद्ध जी को बोध गया में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वह ज्ञान उन्हीं तक सीमित था। उन्होंने अपने शिष्यों को निर्देशित किया, अपने दीपक स्वयं जलाओ, अपो दीपो भव। गौतम बुद्ध जी ज्ञानी पुरुष थे, वह मानव जाति के एक कुल गुरु थे। उनकी शिक्षाएं अनुकरणीय है। अस्तूप अशोक विक्रमादित्य के शासन काल में बनाए गए बुद्ध जी श्रमण धर्म से जो सीख सीखा, उसको बोध गया में अपने अंतस में पाया, यानी एनलाइटमेंट। गौतम बुद्ध जी अंतस में उस ज्योत को देखा जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। वही नूरे वाहिद है, वही एक ज्योति है। उसी ज्योत की प्रेमी आत्मा या रूह है। आत्मा और नूर का मिलन होने पर आत्मा के अंदर ये क्षमता आ जाती है कि वह जो रूप चाहे अख्तियार करे। मानव जात का जो रूप है तमाम सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है। मानव के पहले आसुर थे, आसुर के पहले देवता थे,
दानव और देवताओं के बीच अनेकों संग्राम है। रावण राम का युद्ध महाभारत का युद्ध अनेकों ऐसे प्रमाण हैं जो पुराणों में मिलते हैं। पुराण पुरानी कथाएं हैं। विष्णु पुराण शिव पुराण कुल 18 पुराण हैं। वेद 4 हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद अन्य वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के अनुसार कर्म और योग और ज्ञान है। यजुर्वेद इसमें स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान है। हिंदुस्तान की धरती पर अनेकों ज्ञानी ऋषि मुनि आए, अनेक भक्त भी आए। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप हैं, जो आसुरी वंश से थे। उनकी कथा बड़ी प्रचलित है। भरतराज जी ने अपने पिता से ये कहा था, मुझमें राम तुझमें राम खड़क खम सम्बे राम। मगर प्रहलाद जी ततून खम पर आकर ठहर गए। उनका विचार वहीं पर केंद्रित हुआ। खम्भ फटा, उसमें से नरसिंह अवतार निकले और उन्होंने अपने जंगा पर हिरण्यकश्यप को लिया, अपने नाखून से उसके पेट को फाड़ दिया। संध्या का समय था, न आसमान पर न जमीन पर जो हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद मिला था उसके परे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। हिरण्यकश्यप शंकर पुजारी था, वो तपस्वी था। भक्त प्रहलाद जी विष्णु भक्त थे। विष्णु पोषण करता है, वो एक सिफाती नाम है। ब्रह्मा शीर्ष रचयिता है, वह भी सिफाती नाम है। महेश शिव, यह भी सिफाती नाम है।
महेश संहार करता है, विष्णु पोषक करता और ब्रह्मा जी शिष्ट करता। इनको देवताओं का नाम दे दिया गया, एक मूर्त रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। हकीकत तो ये है कि वे शाश्वत अस्तित्व के सिफाती नाम है, विशेषताएं हैं। जब आत्मा जड़ शरीर को धारण किया तो वह अहंता और ममता में फंसकर अपने मूल अस्तित्व को भूल गई। जो अपने मूल अस्तित्व में स्थित होकर जीवन यापन करता है वही विदेही है। जैसे कि राजा जनक को विदेही कहा जाता है, देह में रहते हुए आत्मा की अनुभूति, आत्मा का अनुभव रखे वही विदेही है। और जो देही की स्थिति में है वह संसारिक है, जड़ और चेतन में श्रेष्ठ बटी हुई है। शरीर देह ये जड़ है जो पांच तत्व से निर्मित है, आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी, ये जड़ है जो रजो तमो और सतो गुण रखते हैं, जो इनसे परे है वह आत्मा है। वही आत्मा परमात्मा का अंश है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष शरीर मिलता है। इसी मानुष शरीर के माध्यम से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। काम अर्थ धर्म और मोक्ष ये धारणाएं हिंदू मैथोलॉजी में प्रचलित हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने मदीना से रवाना होते वक्त मदीने वालों से फरमाया कि यह मेरा सफर उम्मत की इस्लाह और मगफरत के लिए है। यही दो महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने निभाया और बादशाह जालिम यजीद के जुल्म और नाइंसाफी से लड़कर यानी जिहाद करके एक विचारधारा दिया कि अगर
तुम जुल्म और नाइंसाफी से जिहाद करोगे, जुल्म और नाइंसाफी के का विरोध करोगे, तभी वो तुम निजात पा सकते हो, मोक्ष पा सकते हो। पहले अपना अपना सुधार आवश्यक है, तभी हम समाज का सुधार कर सकते हैं, तभी हमारे अंदर देशभक्ति आ सकती है। शाश्वत अस्तित्व से जो जुड़ जाएगा उसके लिए पूरा संसार, उसकी दृष्टि में पूरा संसार एक परिवार के समान है। विश्व गुरु आरिष ने पूरे संसार को एक परिवार के रूप में देखा और सभी धर्म पंथ का मार्गदर्शन के लोगों का मार्गदर्शन किया। आपने करोड़ों मुसलमान, लाखों हिंदू, हजारों ईसाई, यहूदी, पारसी और कोमजिन को अपने मुरीदी के हलके में लेकर उनका मार्गदर्शन किया, इनमें से अनेकों को साक्षात्कार करा दिया। साक्षात्कार से ही दुविधा और भ्रम का नाश होता है। जब तक दुविधा और भ्रम है, द्वैत में फंसा हुआ है, जब द्वैत का नाश हो जाता है तो वही व्यक्ति अद्वैत भाव में जीवन यापन करता है। द्वैत भाव का त्याग ना ही अद्वैत भाव में स्थित होना है। भौतिकता का त्याग करके आध्यात्मिकता में प्रवेश करना ही अद्वैत है। भौतिक विज्ञान हो या कोई भी संसारिक ज्ञान हो, वो भौतिकता पर आधारित है, यानी मैटर पर आधारित है। धर्म जो है वो सोल आत्मा पर आधारित है। मजहब कोई भी हो वो रूह पर आधारित है। जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्ला कहा जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्ला कहा जाता है, नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्ला कहा जाता है और आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्ला कहा जाता है। यह अंबियाई मजहब के नबी हैं। नबियों की यही तालीम है कि वह पहले तौहीद के कंसेप्ट यानी एक जात को माने, उसी का इरफान हासिल करे, उसी का ज्ञान हासिल करे। तौहीद सर ऊपर है, यह आध्यात्मिक ज्ञान है जो अनुभव से प्राप्त होता है। जीवन में आध्यात्मिक आवाज और आध्यात्मिक रूप की घटनाएं घटित होती हैं। आध्यात्मिक आवाज को
जो अपने अंतस में बोध करता है वह ज्ञानी है, और जो आध्यात्मिक रूप यानी प्रकाशीय रूप को अपने अंतस में दर्शन करता है वह प्रेमी है। ज्ञान कहो या इरफान एक ही है, प्रेम कहो या ईश एक ही है। सरकार वारिस पाक ने फरमाया, हमारी मंजिल इश्क है, जो हमसे मोहब्बत करे वह हमारा है। ब्रह्म और फरमाया ब्रह्म पहचानो, और फरमाया जो रब है वही राम है, और फरमाया खुदा आसमान पर नहीं है, हम तुम्हें छिपकर सबको धोखे में डाल रखा है, बस एक सूरत को पकड़ लो खुदा मिल जाएगा। मस्जिद और मंदिर के नाम पर झगड़े करना और राजनीति से प्रेरित होकर झगड़े करना यह देश हित में नहीं है। धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश हित में अपने को समर्पित किया जाए, अपने स्वार्थ को छोड़ा जाए, पाखंड कुरूतियों को छोड़ा जाए और आध्यात्म के ज्ञान को और आध्यात्मिक प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। यही देश हित में है, यही संसार के हित में है। यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल वॉयस को समझें। खुदा की आवाज थी, रवि आराम की आवाज थी, खुदा की सूरत थी, रवि आराम की सूरत थी। वो है, वो है, वह रहेगी, वह पहले से थी, वह खत्म होने वाली नहीं है। नाम शब्द और रूप इन्हीं के विषय में है, जो अवर्णनीय है, जो अव्यक्त है, जो भाषाई अक्षरों और हर्फों से वर्णित नहीं हो सकता है, जो कलम और जबान से वर्णित नहीं हो सकता है। नाम शब्द और रूप ये था, ये है, ये रहेगा, इसी का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करें ब्रह्म दर्शन से। कल्याण है, वास्तविक कल्याण यही है कि ब्रह्म का दर्शन हो, ब्रह्म गुरु सर्वोपर हैं, उसके बाद धर्म गुरु हैं, उसके बाद राजगुरु हैं, ऐसे को ब्रह्म ऋषि, धर्म ऋषि और राज ऋषि भी कहते हैं। इतिहास में जाएंगे तो खोदते रह जाएंगे, खोदना ही दुविधा है। जिसने मन व तू से, जिसने मन व तू का ख्याल निकाल दिया, उसको अवश्य ब्रह्म का दर्शन होगा। ब्रह्म वह है जो एक ज्योति है, जो रूप धारण कर लिया है, इसी में परब्रह्म समाहित है,
वास्तविकता तो ये है कि ला इला इल्लल्लाह में जो अल्लाह है वह परमात्मा है, रब है, एक रूह है जो सर्वव्यापी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह में जो एक ज्योति है वह परम ब्रह्म की ज्योति है, वो लाफानी है, वही ब्रह्म रूप है। विश्व गुरु वारिस भी ब्रह्म रूप हैं, तो उनके आबा ओ अजदाद पंचतन पाक हुजूर पुन्नूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ब्रह्म रूप हैं। ब्रह्म रूप शिव से पहले था, वह है और रहेगा। या वारिस या वारिस या वारिस।